स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नियम के बारे में जिसके बिना ब्रह्मचर्य असंभव है। आप कह सकते हैं ये ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े नियमों में से एक है। आप जितने भी तरह के प्राणायाम करें, योग अभ्यास करें, लेकिन अगर आपने इस नियम को नहीं अपनाया तो ब्रह्मचर्य अधूरा रह जाएगा। इस नियम को ना अपनाने के कारण हजारों की संख्या में लड़कों का ब्रह्मचर्य नाश होता है हर दिन। उनका कई बार तो स्वप्न दोष हो जाता है, वो अपने वीर्य को बचा भी नहीं पाते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो हम लोगों ने अपने थंबनेल पे दो तस्वीरें खास तौर पे इस्तेमाल की हैं, एक इंसान जो सो रहा है और दूसरा वो जो ध्यान में है। अभी मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। देखो, महर्षि पतंजलि के अनुसार अगर कोई इंसान चाहता है ब्रह्मचर्य सिद्ध करना, उसमें बहुत आगे तक जाना, तो उनको सबसे पहले तो अपनी नींद को कंट्रोल में लाना होगा, दूसरा ध्यान को समझना होगा, और तीसरा जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है वो है अपनी डाइट को लेकर। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कई ऐसे लोग हैं जो काम वासना से मुक्त होने के लिए अपने आप को कई कई दिन तक भूखा रखते हैं, और या तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ कर रहे हैं ब्रह्मचर्य में लेकिन उनका डाइट ही सही नहीं है। स्वामी शिवानंद जी के अनुसार जिस इंसान को अपनी पैलेट पे, अपने टेस्ट पे कंट्रोल आ गया ना, वो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अच्छे से कर सकता है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था अपनी डाइट को लेकर। कई ऐसे मित्र कमेंट भी करते हैं कि भाई हम हॉस्टल में रहते हैं या फिर हमारे घर में नॉनवेज बनता है, खाना नहीं चाहते हैं फिर भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है, खाना पड़ता है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। हम जितना हो सके अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एज वैसी है जिस उम्र में आप खाना बना सके खुद के लिए, तो निश्चित तौर पर आप शुरू हो जाएं, लग जाएं इसमें, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत फायदा करेगा आपको। आज मैं आपसे ये बात कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, खुद खाता हूँ, लोगों को भी खिला पाता हूँ। अगर चलो कोई उपाय ही नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल, नॉनवेज खाना पड़ रहा है, तो कसरत करके, प्राणायाम करके, जो भी उसका असर है शरीर में नॉनवेज का, आप उसको कम कर सकते हैं। अगर आप में जुनून है ना, आप बढ़ते जाएंगे ना आगे, तो देखना किस तरह से चीज़ें सही जगह पर होने लगती हैं। अपने आप देखेंगे कि मुझे एक रास्ता नज़र आ रहा है, किस तरह से मुझे जहाँ जाना है, मुझे जो करना है वो मैं कर पा रहा हूँ। शुरुआत में कोई नॉनवेज हो, फिर वेजिटेरियन में आए, और फिर धीरे धीरे अपनी डाइट को समझे, उसके शरीर में क्या सूट कर रहा है, और वो पाएगा कि उसका जो अवेयरनेस लेवल है, उसका जो होश है, वो बढ़ रहा है। 5 रोटी की जगह 3 खाकर देखें, लेकिन अच्छे से उसको चबा कर देखें, होश के साथ खाकर देखें, और आप पाएंगे उसमें आपको नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, चाहे आप चावल भी खा रहे हैं। 1 प्लेट की जगह आधा प्लेट खाकर देखें और आप पाएंगे कि आपका जो अवेयरनेस लेवल है वो पूरे दिन बना रहेगा। आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, आपका होश कितना रहता है, फोकस कैसा रहता है जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि किताब के एक ही पढ़ने में टाइम निकल जा रहा है। किस समय आप भोजन कर रहे हैं वो भी जरूरी है। मैं मानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब भी आपको मौका मिले कि एक दिन आपको ऐसा मौका आ रहा है कि आप 12 बजे खाना खा सकते हैं, अपना लंच कर सकते हैं, 2 नहीं बज रहा, 3 नहीं बज रहा, तो निश्चित तौर पर करें। ऐसा ना सोचें कि हर दिन तो लेट ही हो रहा है, चलो आज भी लेट ही कर देते हैं, क्योंकि दिन भर में जो भी मसल्स टूटे हैं शरीर के, जो हार्मोन नीचे की तरफ गया है, टेस्टोस्टेरोन पीक पर होता है जब हम सुबह उठते हैं, और दिन भर में वो लो की तरफ जाता है, तो देर रात अगर कोई इंसान खाना खाता है, भोजन करता है, तो होता क्या है, जो सफाई होनी चाहिए शरीर में, जो मेंटेनेंस होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। जिस तरह से बॉडी रिप्लेनिश करती है अपनी ऊर्जा को, वो नहीं हो पाएगी। इसलिए बोला जाता है कि रात के टाइम में कम खाना चाहिए। और जब शुरुआत में मैंने इस नियम को अपनाया, थोड़ी तकलीफ हुई, आदत नहीं थी, मन करता था बिस्तर खा जाऊं, चादर खा जाऊं, मन करता था भाई, भूख लगती थी, लेकिन क्या किया मैंने, बनाए रखा उसको। और धीरे धीरे करके मुझे ये एहसास हुआ कि जब मैं सुबह उठ रहा था, इतना फ्रेश फील हो रहा था मुझे, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। दिन भर में कमाल की एनर्जी रहती बॉडी में, अवेयरनेस लेवल बढ़ा रहता, ये आपके होश को बढ़ाता है भाई। और अगर होश बढ़ गया ना, तो काम वासना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, उसे दरवाजे से वापस ही लौटना पड़ेगा। और हाँ दोस्त, टेलीग्राम चैनल द इल्यूमिनाटी शो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए साथ मिलकर हम और आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।